रसोई घर में बैठकर भोजन करने वाले लोग ये वीडियो जरूर देखें। साथ ही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रसोई घर से जुड़े वास्तु नियम। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही खास और कारगर वास्तु टिप, जिससे आप बिना तोड़फोड़ या मरम्मत करवाए भी अपने घर में रसोई घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। घर के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा रहता है, आपके शत्रु की नजर दोष के कारण आपके परिवार में बीमारियों ने डेरा बना लिया है, घर में बरकत में कमी आ गई है, घर में कितना भी पैसा आए लेकिन टिकता ही नहीं है, धन घर में आता है लेकिन उसे खर्च होने में समय नहीं लगता, लगातार मेहनत के बाद भी अगर भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा ना हो पाए तो मानसिक तनाव होने लगता है। लेकिन दोस्तों वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे वास्तु नियमों का जिक्र किया गया है जिनके करने से आपको अपनी ज्यादातर समस्याओं का समाधान मिल सकता है। लाख मेहनत के बाद भी काम सफल नहीं हो रहा हो या फिर घर में पैसा ना टिक रहा हो तो रसोई घर से जुड़े कुछ वास्तु नियमों का अनुसरण करने से हमेशा के लिए आपकी समस्या दूर हो सकती है। कहा जाता है जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन, ये कहावत जहां अन्न के महत्व को दर्शाती है वहीं रसोई घर के बारे में भी दिशा निर्देश करती है। हम सभी के घरों में रसोई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, यही वो जगह है जहां से हम सभी का भाग्य तय होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। रसोई घर में वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं रसोई घर से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों पहली बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रसोई घर बनाने का सबसे उपयुक्त स्थान दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय दिशा को माना गया है, क्योंकि इस दिशा को अग्नि का स्थान माना गया है। रसोई घर का संबंध अग्नि तत्व से है, इसीलिए इसकी सही दिशा आग्नेय कोण ही है। आग्नेय कोण में रसोई घर बनाने से भोजन की कभी भी कमी नहीं होती और भोजन स्वादिष्ट बनता है। लेकिन अगर आपके घर में रसोई घर गलत दिशा में हो या अगर रसोई घर से जुड़ा कोई भी वास्तु दोष आपके घर में है तो आपको उसके लिए भी वास्तु शास्त्र में एक तरीका बताया गया है जिससे आप दोष को दूर कर सकते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं रसोई घर से जुड़े ऐसे ही अन्य नियम। दूसरी बात, घर के आग्नेय कोण में रसोई घर बनाने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि एक त्रुटि यानी कि एक दोष रह जाता है जो आपके घर के वास्तु दोष का कारण बनता है। दोस्तों वो त्रुटि है आग्नेय दिशा में स्थित रसोई घर का दरवाजा पूर्व दिशा में खुलना, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। पूर्व दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में रसोई घर का दरवाजा खोला जा सकता है। पूर्व दिशा में रसोई घर का अगर दरवाजा खुलता है तो इससे घर के सदस्यों को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है और धीरे धीरे हर कार्य में भी असफलता झेलनी पड़ती है। तीसरी बात, खाना बनाते समय पूर्व की तरफ मुख करके ही भोजन पकाना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अगर आग्नेय कोण में स्थित रसोई घर में गृहिणी पूर्व की तरफ मुख करके खाना बनाती है तो घर में बीमारी की छाया कभी नहीं रहती। घर में रहने वाले हर एक सदस्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वो दीर्घायु बनते हैं। चौथी बात, पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाना पकाने वाली गृहिणी का स्वास्थ्य बार बार बिगड़ता है, शारीरिक कमजोरी आती है, स्फूर्ति और उत्साह में कमी आती है और मन भी अशांत रहता है। साथ ही जो भी व्यक्ति ऐसे बने खाने को ग्रहण करता है तो उसमें आत्मविश्वास की कमी आती है, परिवार में दरिद्रता का आगमन होता है। पांचवी बात, रसोई घर अगर पश्चिम दिशा में हो और पश्चिम मुखी खाना बनाने की व्यवस्था हो तो खाना हमेशा बनता ही रहता है, यानी ऐसी रसोई किसी भी समय बंद नहीं होती क्योंकि ऐसे घरों में अतिथियों का आवागमन लगातार होता रहता है। छठी बात, रसोई घर उत्तर पूर्व दिशा में हो तो मानसिक अशांति, भारी खर्च, घर में लड़ाई झगड़े, धन की बर्बादी, दिवालियापन, खाद्य पदार्थों की बर्बादी अथवा कमी और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सातवीं बात, रसोई घर दक्षिण पश्चिम की तरफ हो तो घर में हमेशा कलह होते रहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जीवन दुख से भर जाता है। उत्तर की तरफ रसोई घर होना बहुत ही शुभ होता है क्योंकि ये स्थान कुबेर का है। इस स्थान की स्वच्छता का भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए क्योंकि अगर इस स्थान पर गंदगी हो तो आवश्यकता से अधिक खर्च होता है। आठवीं बात, रसोई घर टॉयलेट अथवा शयन कक्ष के साथ या ऊपर अथवा नीचे नहीं होना चाहिए। शयन कक्ष में रसोई घर का निर्माण कभी भी ना करें
और ना ही रसोई घर में कभी भी शयन करना चाहिए यानी सोना चाहिए। इसके पीछे का कारण है कि रसोई घर पर मंगल ग्रह का शासन होता है और शयन कक्ष पर शुक्र का प्रभाव होता है और इन दो ग्रहों का साथ में होना अशुभ फलदायक होता है, इसीलिए ये गलती ना करें। नौवीं बात, रसोई घर के संग पूजा कक्ष कभी भी नहीं होना चाहिए। रसोई घर में प्रयोग में लाई जाने वाली मंगल की प्रतीक वस्तुएं होती है जैसे मिर्च, मसाला, तेल, केरोसिन, गैस इत्यादि, और मंगल उग्र ग्रह है, अतः ये ग्रह प्रभाव में वृद्धि करने वाला होता है और इसी कारण से पूजा करते समय हमारा ध्यान अत्यधिक भटकने लगता है और हमें मानसिक शांति नहीं मिलती। दसवीं बात, खाना बनाते समय गृहिणी की पीठ के पीछे द्वार नहीं रखना चाहिए, अन्यथा कमर दर्द, गर्दन का दर्द जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अनेकों बार ऐसा होता है कि पहले से बने हुए घर में अनेकों प्रयास के बाद भी आप आग्नेय कोण में रसोई घर नहीं बनवा पाते। इस अवस्था में रसोई घर चाहे किसी भी दिशा में हो, लेकिन चूल्हा अथवा गैस स्टोव आपको रसोई घर के आग्नेय दिशा में ही रखना चाहिए। इससे वास्तु दोषों को काफी हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष रसोई घर में है और अगर आप उसे ठीक नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसे में वास्तु के अनुसार वास्तु दोष को दूर करने के लिए रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगानी चाहिए। इसके अलावा घर में मां अन्नपूर्णा या अनाज से भरे हुए गणेश जी लगाना भी शुभ होता है, इससे घर में बरकत बढ़ती है। रसोई घर में अलमारी, रैक इत्यादि को दक्षिण और पश्चिम दीवार पर बनाना चाहिए। जिस डब्बे में आटे को रखते हैं उसमें 5 तुलसी के पत्ते और 2 केसर के दाने रखें। याद रहे कि शनिवार के दिन ही आटे को पिसवाना चाहिए और उसमें मुट्ठी भर चना जरूर मिलाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी, साथ ही घर में पैसा टिकने लगेगा। चलिए अब जानते हैं कि रसोई घर में बैठकर खाना खाना वास्तु के अनुसार कैसा होता है और कौन सी वो गलती है जो रसोई घर में नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, रसोई घर में बैठकर खाना खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसमें आवश्यक है कि भोजन करते समय अग्नि के दर्शन होते रहें, यानी कि आपको अपने गैस चूल्हे की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। भोजन बनाने के बाद पके हुए भोजन को सबसे पहले अग्नि देवता को समर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ रात में सोने से पहले रसोई घर और झूठे बर्तनों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। रसोई घर में फ्रिज रखने का सही स्थान पश्चिम या वायव्य कोण है। फ्रिज को कभी भी भूलकर नैऋत्य या ईशान दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर इन दिशाओं में फ्रिज रखा जाए तो वो अक्सर खराब होता रहता है। अगर किसी कारण से फ्रिज इन दिशा में रखना भी पड़े तो दीवार से इसकी दूरी 2 या 5 फीट की होनी चाहिए, इससे वास्तु दोष में कमी आती है। पीने वाले पानी का बर्तन, मटका आदि रसोई घर के ईशान कोण में रखना चाहिए। रसोई घर में पूर्व की दीवार पर मां अन्नपूर्णा की एक तस्वीर अवश्य ही लगानी चाहिए, लेकिन अगर आप अपने घर में मांसाहार का सेवन करते हैं या मांसाहार पकाते हैं तो रसोई घर में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर भूल से भी ना लगाएं। तो दोस्तों, ये थे वास्तु के वो नियम जो रसोई घर में जरूर अपनाए जाने चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।